नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कैस्कारा सगार्डा के बारे में। हम जानेंगे ये कौन से रोगों पे काम करती है, इसको हमें लेना कैसे, इसकी कौन सी डोजेज हमें कैसे लेनी है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं देवेश यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम्योक्लिक पे। दोस्तों इस मेडिसिन की बात करें तो ये मेडिसिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब भी हमारे पेट में अपच की बीमारी हो या कब्ज की बीमारी हो या गैस बनने से संबंधित कोई भी बीमारी हो, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर हमारे जैसे शरीर में गैस बनती है उसकी वजह से हेडच हो गया या रूमेटिज्म हो गया, यानी शरीर में गैस इधर उधर जाती है, वहाँ पे जॉइंट पेन होता है या मसल्स पेन होता है उसकी वजह से, तो वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको कब्ज की बीमारी है तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाता है और इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ लेता है, वहाँ से हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो स्टूल के रूप में बाहर आ जाते हैं हमारे एनस के थ्रू। तो जो ये पूरा जो फूड डाइजेशन होता है उसके लिए फूड जो अंदर की ओर जाता है हमारे बॉडी में, शरीर में अंदर जाता है, वो पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट के द्वारा होता है। यानी एक मूवमेंट होता है हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से जो खाना है वो आगे की ओर बढ़ता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, वो आगे की ओर बढ़ता है। अगर ये डाइजेशन का ये मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाए तो इसमें बहुत से अपच और कब्ज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर ऐसी कोई भी बीमारी है या फिर आपको जब भी अपच या लंबे समय का कब्ज है तो उससे आपको पाइल्स या बवासीर की भी बीमारी हो सकती है, अगर ऐसी कोई भी समस्या है, तो समय में ये मेडिसिन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट देगा। हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर से निकलने वाले एंजाइम्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो अगर लीवर में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है तो वहाँ पे भी ये लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जॉइंट्स की कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके बाद लीवर सिरोसिस यानी लीवर डैमेज होता है, ऐसे कंडीशन में भी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा अगर कब्ज की बीमारी है उसकी वजह से आपको कोई भी समस्या हो रही है या कोई भी लंबे समय से कब्ज चल रहा है या आप चूर्ण वगैरह लेते हैं, आपका पेट साफ नहीं होता, उसके लिए आपको रेगुलर चूर्ण लेना पड़ता है या कोई और मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो ये उसको भी छुड़ाएगी और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत इजी करेगी, बहुत बेहतर करेगी। तो ऐसे में ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसके बाद हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में कि यूरिन जब आप करने जाते हैं, यूरिनेशन जब आप बाथरूम जाते हैं, तो जो पेशाब होती है वो थोड़ा रुक के होती है, पहले ड्रॉप्स ड्रॉप्स होती है फिर जाके वो खुल के होती है। खुल के पेशाब न होने की कंडीशन में भी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको हमें लेना कैसे है, इसकी डोज हमें क्या लेनी है। दोस्तों इसका हमें टिंचर फॉर्म यूज़ करना है, क्यों? इसको हम 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। ये आप नॉर्मली खाना खाने के बाद लीजिए, जैसे सुबह ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद और दोपहर में लंच के आधे घंटे बाद और रात में डिनर के आधे घंटे बाद ये आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद ले सकते हैं। ये निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा करेगी। और इस मेडिसिन को लेने के पहले आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।